कानपुर कन्या महाविद्यालय इंटर कॉलेज की दुबई नगर में मुख्य अतिथि अध्यक्ष ओंकार नाथ अवस्थी व विशिष्ट अतिथि मंजू शर्मा का स्वागत श्रीमती प्रधानाचार्य ममता त्रिवेदी के द्वारा किया गया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और बच्चों ने देश के वीर जवानों के गाने की धुन पर देशभक्ति को याद करते हुए बच्चों ने अपने अपनी कलाएँ प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि अध्यक्ष ओमकार नाथ अवस्थी बच्चों का उत्साहवर्धन बढ़ाया और बच्चों की उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य श्रीमती ममता त्रिवेदी ने बताया कि इस कार्यक्रम का श्रेय समस्त स्टाफ को जाता है क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया है। कार्यक्रम का संचालन अर्चना मिश्रा व नेहा मिश्रा एवं समस्त छात्राओं ने प्रतिभाग किया। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। आज 15 अगस्त के अवसर पर जो सभी पर्वों में श्रेष्ठ पर्व है उस अवसर पर हमारे KK गर्ल्स इंटर कॉलेज कानपुर कन्या महाविद्यालय इंटर कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। मैं हैरान हूँ कि हमारे यहाँ की लड़की कोई मिस खान है, पूरा नाम तो मुझे नहीं इस वक्त याद है, उषा खान, वो इतना बढ़िया बोली है कि लगता है कि अब भारत का नौजवान कर दिया है और हिंदुस्तान दुनिया में अग्रणी देश होगा। वैसे तो स्वाधीनता की मशाल 1857 में जल गई थी जब झांसी की रानी तात्या टोपे आज महान लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया और उस में की शुरुआत की मंगल पांडे ने, जो कभी मशाल बुझी नहीं, किसी न किसी रूप में देश में आज़ादी की भूख बढ़ती गई। सभी लोगों ने जो भी महान नेता हुए आज़ादी की बात की और गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा का आंदोलन के द्वारा और क्रांतिकारियों के जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि थे, क्रांति के माध्यम से हमें आज़ादी दिलाई गई। बच्चों को ही संदेश हम दे रहे हैं, ये बच्चे भविष्य में जैसा खान ने कहा इस देश पे ही पढ़ लिख कर इस देश की सेवा करें, यही मेरा संदेश है, बाहर न जाएं। मैं ममता त्रिवेदी कानपुर कन्या महाविद्यालय इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हूँ। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ अध्यक्ष श्री ओंकार नाथ अवस्थी जी, हमारे प्रबंधक रमेश कुमार अवस्थी और हमारे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर अविन नाथ अवस्थी जी उपस्थित हुए हैं। आज जो बच्चों ने कार्यक्रम किया है इसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले से की है
और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पढ़ाई के साथ ही साथ उन्होंने इतनी मेहनत से सारा कार्यक्रम किया और इसके साथ ही साथ अभी जो बच्चों ने स्पीच दी है उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पहले आप स्वयं बदलें तभी आप दूसरों से आशा कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस 15 अगस्त को बहुत ही गर्व और उत्साह के साथ मना रहे हैं और इसी के साथ साथ मैं पुनः आप सभी को, पूरे देशवासियों को, नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं दे रही हूँ। धन्यवाद।